जलगांव शहर में FDCA यानी फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमिटी की ओर से किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अपने स्वार्थ के लिए इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। याद होगा वो ब्रिटिशों का काल समय, जब उन्हें ये बात समझ में आई तो उन्होंने इस तरीके की राजनीति अपनाई थी। मगर फख्र है हमारे उन शहीदों पर जिन्होंने इस बात को कहीं गौर नहीं किया और इस देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकजुट मिलकर एक ही नारा दिया था और इस देश को स्वतंत्र बनाया था। तो वहां न तो हिंदू देखा जाता था न मुसलमान देखा जाता था। लेकिन अब राज सत्ता में आने के बाद सत्ता पर रहने के लिए किसी एक समाज का आगे बढ़ना और दूसरे समाज को बाहर करना और मेरे दलित भाई और हमारे अपेक्षित लोगों को बाहर कर देना, ये कहां का न्याय है। और मुझे लगता है FDCA की शुरुआत इस बात की शुरुआत है कि आने वाले समय में इस चीज की हम सबको जरूरत है। लेकिन कुछ गिने चुने FDCA का मकसद ये है कि देश में लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी ये कायम रहे और डेमोक्रेसी के विरोध में जो कुछ भी शक्तियाँ काम कर रही है उनको पीछे रखा जाए, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाकर उनकी मानसिकता को बनाया जाए और आतंकवाद और फांसीवाद और सांप्रदायिकता ये नष्ट हो, बंधुभाव, मोहब्बत, प्रेम, आशती समाज के अंदर निर्माण हो, किसी समाज की बुनियाद पर किसी से नफरत ना हो, धर्म की बुनियाद पर नफरत ना हो, हम सब एक देख होकर अच्छे काम करें और देश को ऊँचे उठाने का प्रयास करें। लोकशाही तंत्र बाजूला ठेवून हुकूमशाहीकडे जे वळत आहे तर त्याला कुठेतरी निर्बंध असला पाहिजे आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जे जाती जातीत भांडण चाललं आहे, धर्माधर्मात भांडण चालू आहे, ते कुठेतरी थांबवलं पाहिजे आणि चांगले विचार समाजातले जे सुशिक्षित लोक आहे त्यांनी जागरूकता निर्माण करून समोरच्याला बाजूच्या माणसाला मित्राला नातेवाईकाला जागरूक करून एकीचं दर्शन घडवलं पाहिजे आणि भारताची खऱ्या अर्थाने चांगली प्रगती घडवून आणली पाहिजे आणि राजकारण्यांच्या मागे न लागता फक्त माझा भारत देश, माझा म्हणजे संपूर्ण समाज, कुठलाही जातीभेद नको त्यात, या पद्धतीने कार्यवाही करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने मानवतावादी दृष्टिकोन समोर ठेवून ही जी संघटना काम करणार आहे या संघटनेला मी सुद्धा कार्यकर्ता आहे, मी शुभेच्छा देतो आणि अजून चांगले चांगले माहिती आणि आम्हाला सभासद मिळो, त्यांचे विचार ऐकून आम्ही अधिक चांगली प्रगती करू अशी माझी भावना आहे, अशी माझी लोकशाही।